नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राज्यसभा के बिहार की 6 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने मनोज झा को फिर से मौका दिया है, जबकि दूसरी सीट पर तेजस्वी यादव के निजी सहायक संजय यादव को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया जा चुका है। ऐसे में इस पर जेडीयू ने आरजेडी के पॉलिटिकल डीएनए की व्याख्या कर दी है। आपको बता दें, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी जैसे नेताओं का नाम लेते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने कहा कि राजद को बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। आपको बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मंत्री संजय झा को कैंडिडेट घोषित किया है, जिस पर संजय यादव को लेकर तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने पार्टी के अंदर खुली बगावत कर दी है, जिसे राजद के राज्यसभा भेजे जाने का निर्णय लिया गया। वही जेडीयू ने मोर्चा थाम लिया है। आपको बता दें, पार्टी के प्रवक्ता नीरज ने तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी का आंतरिक मामला है, फिर भी यह कहना पड़ रहा है कि पिता लालू यादव ने राजनीति में साला राज चलाया है और बेटे तेजस्वी यादव को भी मौका मिला तो उन्होंने निजी सहायक पर राज चलाया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राजद का आंतरिक मामला, फिर भी पिता माननीय लालू प्रसाद जी ने राजनीति में चलाया साला राज, तो बेटा को मौका मिला तो उन्होंने चलाया निजी सहायक राज। बिहार के कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं, हरियाणा के राजनीतिक नस्ल पर भरोसा किया। माननीय श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी जैसे नेता मुंह देखते रह गए। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करने वाला आज हरियाणा के राजनीतिक नस्ल पर भरोसा किया, निजी सहायक पर भरोसा किया। राजनीतिक कार्यकर्ता की हकमारी करना इनके राजनीति का डीएनए रहा है। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने कहा कि आरजेडी के बड़े बड़े नेता टुकुर टुकुर देखते रह गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी और उदय नारायण चौधरी, शिवानंद तिवारी जैसे बड़े बड़े नेता मुंह देखते रह गए, लेकिन हरियाणा नस्ल के नेता पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करने वाले ने हरियाणा के नेता और राज्यसभा भेजने का उन्होंने काम किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि क्योंकि बिहार के नेताओं पर शायद आरजेडी को विश्वास नहीं रहा, दरअसल कार्यकर्ताओं की हकमारी करना आरजेडी का राजनीतिक डीएनए रहा है। उन्होंने कहा कि दरअसल संजय यादव और तेजस्वी यादव को निजी सलाहकार रह चुके हैं, वहीं हरियाणा के रहने वाले काफी लंबे समय तक वह आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव कई बार आरोप लगा चुके हैं कि संजय यादव तेजस्वी यादव को कंफ्यूज करते हैं, जमीन के बदले में नौकरी घोटाले में भी जांच के दायरे में है। इससे पहले जब लालू यादव राजनीति में फुल फॉर्म में थे, तब वहीं अपने साले और तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव को खुली छूट दे दी थी। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद उन्होंने बना दिया था उनको, और वहीं साधु यादव के आतंक राज को बिहार के लोग आज भी नहीं भूले हैं। हालांकि ऐसी स्थिति आ गई है कि लालू के परिवार ने उनसे सारे संबंध अपना खत्म कर लिया है। वैसे में उन्होंने सारे संबंध तोड़ दिए, ऐसे में उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। लेकिन क्या लालू यादव का जो जंगल राज था, क्या वाकई में लोग भूल गए हैं? और नीतीश कुमार को इस जंगल राज को अगर निकाला जाता है तो उसका फायदा कितना मिलता है, ये आने वाले चुनाव में देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार की जो पॉपुलर है वो लोगों के बीच में कितनी कम हुई है, कितनी बढ़ी है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप बताइए कि आपको नीतीश का राज अच्छा लगा या लालू प्रसाद यादव का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।